नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल शर्मा और मैं रोड सेफ्टी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आया हूं हमारे तलोजा वाले ट्रेनिंग सेंटर में। यहां पे हमारे पास तीन मशीनें हैं, बैटरी फोर्कलिफ्ट, डीजल फोर्कलिफ्ट और हाई रिच ट्रक। इन तीनों मशीनों का ट्रेनिंग हमारे यहाँ पर दिया जाता है, साथ में हमारे यहाँ पर लाइसेंस भी बनाया जाता है। एक बार लाइसेंस बन के आपका आ गया, उसके बाद हम आपकी जॉब में भी हेल्प करते हैं। तो इस वक्त मैं आपको हमारे एक स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। आइए प्लीज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंदार दिगुरकर है। ओके मंदार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दादर से। दादर से, मुंबई से ही। ओके, और आप यहाँ पे कौन सी गाड़ी सीखने आए? मैं डीजल और ये डीजल और इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट। कितना फीस लगा है आपका यहाँ पे? 15,000 में आपको दोनों मशीन का ट्रेनिंग मिल रहा है। एक्चुअली हमारा ऑफर चल रहा है, डीजल मशीन का फीस है 15,000, साथ में हम 12,000 वाला इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट फ्री में सिखा रहे हैं। ओके, कितने दिन हो गए आपको सीखते हुए? 5 दिन हो गए। 5 दिन में अब तक आपने क्या क्या सीख लिया है? मार्जिन में हाउ टू स्ट्रेट ड्राइव, टर्निंग कैसे लेना है, टर्निंग कैसे लेना है, मैनेज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डीजल में डिफरेंस है, वो थोड़ा हेवी है, ये लाइट है, तो ये स्मूथनेस इसमें है, तो कंट्रोल कैसे करना है। ओके ओके, वहाँ पे हार्ड है तो उसमें कैसा प्रेशर देखिए उसको चलाना है, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल। ओके, और ये रैक पे आपने कुछ करना सीखा? रैक में मैंने पैलेट का भी चालू किया है। पैलेट किस लेवल तक आप ले पा जा रहे हैं? ग्राउंड और फर्स्ट लेवल पे आपने पैलेट रखना सीख लिया। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है इसके बारे में आपको पता कैसे चला? यूट्यूब से। नहीं, यूट्यूब पे आपने क्या सर्च किया? एक्चुअली आपके मन में फोर्कलिफ्ट का ख्याल आया कहाँ से? हाँ, मैं एक्चुअली बाहर का होता हूँ, ओमान में था। ओमान में थे? ओके, वहाँ क्या करते थे आप? मैं उधर लॉजिस्टिक में था मेरा उसमें। ओके, लेकिन मेरा सिस्टम पे काम था, कंप्यूटर पे काम था। ओके फाइन, बट इसकी अहमियत और इसका इम्पोर्टेंस पता चला कि कितना ये है इम्पोर्टेंट। अगर ये नहीं तो हम हमारा जो जो चीज़ें है वो ये नहीं रख सकते। बिल्कुल सही कहा, हम बेच ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा, फोर्कलिफ्ट ऐसी मशीन है जिसका डिमांड आजकल पूरी दुनिया में है, क्योंकि बिना फोर्कलिफ्ट के कोई भी कंपनी ऑपरेट ही नहीं हो सकती, फिर चाहे वो स्टील कंपनी हो, फार्मा कंपनी हो, केएमआई कंपनी हो, एयरपोर्ट हो, डॉक यार्ड हो, वेयर हाउस हो, फोर्कलिफ्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है। ओके, तो वहाँ आपने देखा कि फोर्कलिफ्ट चलता है, तो वो देख के आपके मन में ख्याल आया कुछ ऐसा? यस, बिकॉज उसकी इम्पोर्ट इतनी बढ़ गई कि लोगों के पैर पड़ने पड़ते थे कि भाई आ जाओ हमारा माल उतारना है, कंटेनर आ गया, तो उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट है, तो और उसके लिए सैलरी भी अच्छी मिलती है। ओके, कितना सैलरी मिल जाता है ओमान का अपना फोर्कलिफ्ट को? ओमान के लिए तकरीबन 800 रुपया। 800, तो कितना रुपीज़ में हो गया अपना वो? 1.5 लाख के ऊपर। 1.5 लाख के ऊपर आपको फोर्कलिफ्ट का सैलरी मिल जाता है। चलिए, तो आपने वहाँ देखा फोर्कलिफ्ट चलता है, उसके बाद आपने यूट्यूब पे सर्च किया कहाँ से? सर्च किया रोड सेफ्टी का आपका जो है। यूट्यूब पे हमें सर्च किया क्या? ट्रेनिंग। ओके, तो आपको हमारा वीडियो दिखा। ओके फाइन, तो वहाँ से आपने हमें फिर कांटेक्ट किया और प्रॉपरली आपने हमें गाइड भी किया, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम फ्रॉम दादर और 2 या 3 दिन चेंज करके आना है। बिल्कुल सही कहा, और दादर से संडे था, मेगा ब्लॉक था, लेकिन आप और मैडम जी ने हमें बहुत हेल्प किया यहाँ तक आने के लिए, और एक हमारे सर हैं वो भी बाहर पे आ गए हमें लेने के लिए। चलिए, अच्छी बात है। तो मुझे ये बताइए, अब जब पहुँचे आप यहाँ पे पहली बार, आपने ट्रेनिंग सेंटर देखा तो आपको कैसा लगा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे? कुछ अजब ही लगा कि वेयर हाउस का सीनेरियो और यहाँ पे, लेकिन बेसिस से अभी 5 दिन में मैं आ रहा हूँ और वो ट्रेनिंग मिल रही है, आई एम सो मच सेटिस्फाइड। जो डर था वो डर निकल गया, डर निकल गया, बिकॉज ऑफ हमारे सर जो है। कौन से सर सिखा रहे हैं आपको? चेतन सर हैं और अमित सर हैं। अभिजीत सर, ये दोनों आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओके चलिए, अच्छा है। तो इनका बिहेवियर कैसा है? वेरी सॉफ्टली सिखाते वक्त पंक्चुअल भी है, और वो जब यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहने चाहो स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, पैसे बताते हैं, अगर मिस्टेक गलती होती है तो वो सुधारने के लिए काटते भी है। ओके, कैसे सुधारना है, क्या करना है, वो आपको पूरा बताते हैं। चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड, और फ्रेंडली फ्रेंडली। चलिए, तो अब ये सीखने के बाद आप वापस से ओमान जाना चाहते हैं अपना? नहीं, वी आर लुकिंग फॉर समवेयर डिफरेंट, बट पहले ट्रेनिंग यहाँ पे इंडिया में लूँगा। मतलब पहले आप एक्सपीरियंस लेंगे यहाँ पे, ओके, 1 साल यहाँ जॉब करेंगे, उसके बाद आप बाहर के लिए ट्राई करेंगे। ओके ओके, चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, YouTube पे काफ़ी लोग ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए कोई मैसेज? डेफिनेटली आप और लोगों को बताइए, और इसकी इम्पोर्टेंट और इसकी नेसेसरी क्या है लोगों तक पूछनी चाहिए, और आई एम सो मच हैप्पी कि इतने रीजनेबल रेट में आपको यहाँ पे कहीं मिल रहा है, अदरवाइज इतने सस्ते में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि रोड एंड सेफ्टी हमारे लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल रोड एंड सेफ्टी मेम्बर्स, और रियली हम सो मच थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, इतने दिन आपने 5 दिन हो गया ट्रेनिंग, अभी आपका ट्रेनिंग और चलेगा, अभी खत्म तो हुआ नहीं है, ठीक है, अभी 10 दिन का ट्रेनिंग आपका और बाकी है। 10 दिन में नहीं भी सीख पाए तो आप ज़्यादा रुक सकते हैं, उसके लिए भी हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। तो अभी मैं आपसे वापस से अगले हफ्ते मिलूंगा, फिर देखूंगा आपने कितना प्रोग्रेस किया। थैंक यू सो मच।